आज हम बात करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और गवर्नमेंट कंपनीज की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसके बारे में वीडियो बनाएं। टोटल चार इंश्योरेंस कंपनीज है, यूनाइटेड, न्यू इंडिया, नेशनल एंड ओरिएंटल। इन चारों का रिव्यू आपके सामने लाऊंगी एंड इनका कंपैरिजन भी आपको दूंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1938 में। 1972 में जब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज किया गया था तब बहुत सारी कंपनीज मर्ज की गई थी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनीज में। टू बी प्रिसाइज, 12 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, 4 कोऑपरेटिव इंश्योरेंस बिजनेसेस एंड 5 इंडियन ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन बिजनेसेस, इसको मर्ज करके बनाया गया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एंड आपको ये पता ही है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ओन की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसके जो ऑपरेशंस मैनेज किए जाते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से मैनेज किए जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली एक गवर्नमेंट कंपनी है। एंड अगर इसके क्लेम्स की बात करें तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 82% है, इनकर्ड क्लेम रेशियो है 110%, और कैशलेस नेटवर्क जो हॉस्पिटल लिस्ट है वो 7000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स है। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे इनके प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है फैमिली मेडिकेयर पॉलिसी। तो देखेंगे ये प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है और प्रीमियम क्या है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्लान फैमिली मेडिकेयर पॉलिसी। सो पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब कौन कौन एलिजिबल है ये पॉलिसी लेने के लिए। अगर आपकी एज 18 से लेकर 65 के बीच में है तो आप ये पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं, एंड पॉलिसी आप लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं 65 के बाद भी। तो यहाँ पे जो फैमिली डेफिनेशन है वो है सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एंट्री एज पॉलिसी में 60 इयर्स के बाद हो रही है, अगर 60 इयर्स के बाद इस पॉलिसी में आप एक्ट एंटर कर रहे हैं तो 10% कोपेमेंट है, मतलब जो भी क्लेम आएगा उसमें से 10% आप शेयर करेंगे। आगे चलते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की जो एज है वो है 91 डेज से लेके 18 इयर्स तक। 18 इयर्स के बाद बच्चों को स्प्लिट कर दिया जाएगा अगर वो अर्निंग है और शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है तो। अदरवाइज 18 से 26 तक बच्चे कंटिन्यू कर सकते हैं पॉलिसी में एज डिपेंडेंट इफ दे आर अनएम्प्लॉयड एंड अनमैरिड। पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन पॉसिबल है, आप मिड टर्म भी पॉलिसी में फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब जितने टाइम की आपकी पॉलिसी ड्यूरेशन रह गई है उतने टाइम का ही प्रीमियम चार्ज होगा और आप फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। सो इसमें दो तरीके के फैमिली मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, एक तो न्यूली मैरिड स्पाउस है वो ऐड हो सकते हैं पॉलिसी में बट विद इन 60 डेज ऑफ मैरिज, उसके बाद नहीं ऐड होंगे। न्यू बॉर्न बेबी कैन बी एडेड फ्रॉम 91 डेज टू 180 डेज। सम इन शॉर्ट 3 लाख से लेके 25 लाख तक की ऑप्शन है। सो आप सम इन शॉर्ट चूज कर सकते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15, 20 एंड 25 लाख। सो इसमें से कोई भी सम इन शॉर्ट आप चूज कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। पॉलिसी 1 ईयर की ही अवेलेबल है, 1 ईयर के लिए आप पॉलिसी लेंगे और उसको ईयरली रिन्यू करते जाएंगे। अब बात करते हैं कवरेज स्कोप की, कि क्या क्या और कैसे कैसे कवर्ड है। सबसे पहले रूम रेंट एलिजिबिलिटी, कि आपका रूम रेंट कितने का एलिजिबल है। 5 लाख से नीचे अगर आपकी पॉलिसी है तो रूम रेंट पे रिस्ट्रिक्शन है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब 1% ऑफ सम एश्योर्ड ही दिया जाएगा, उससे ऊपर नहीं दिया जाएगा। दूसरा, 5 लाख से 25 लाख तक की पॉलिसी है तो आपका जो रूम रेंट की एलिजिबिलिटी है दैट इज 1% ऑफ सम एश्योर्ड और सिंगल प्राइवेट एसी रूम विच एवर इज हायर, तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे आईसीयू रूम की। आईसीयू रूम पे अगर 5 लाख से नीचे की पॉलिसी है तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड, अगर 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो एज पर एक्चुअल पे किया जाएगा। सो अब बात करेंगे सब लिमिट्स, कुछ ट्रीटमेंट्स पे सब लिमिट्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि कैटरैक्ट। कैटरैक्ट पे सब लिमिट है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 50,000 रुपीज पर आए, तो 50,000 रुपीज पर आए से ऊपर आप नहीं ले सकते हैं। दूसरा है, कुछ सब लिमिट्स है मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट पे, अगर मेंटल इलनेस की वजह से इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होती है, मतलब आपकी अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो वो भी कवर्ड है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है 25% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 3 लाख इन अ ईयर, मतलब 20 आपका जो भी सम एश्योर्ड है उसका 25% ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 3 लाख ही मिलेगा। ये कंडीशंस कौन कौन सी हैं, पेशेंट्स है शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, साइकोसिस। अगर इसमें से कुछ भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो 25% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 3 लाख इन अ पॉलिसी ईयर। डे केयर ट्रीटमेंट, डे केयर ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है आप जानते ही हैं, अगर 24 आवर्स से कम की हॉस्पिटलाइजेशन होती है ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट किया जाता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, वो सब किया जाता है, तो आपका डे केयर ट्रीटमेंट में भी कवर्ड है। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड और इसका क्लेम अप टू सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं।
इसमें ध्यान रखिएगा, डे केयर ट्रीटमेंट में कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे टेस्ट करवाने हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं, तो क्या वो कवर्ड है? डायग्नोस्टिक टेस्ट कवर नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ प्रॉपर ट्रीटमेंट कवर होता है कि कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट की सर्जरी आप डे केयर में करा लेते हैं, उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पहले होता था कि आप एक दिन हॉस्पिटल में रहते थे कैटरैक्ट की सर्जरी के बाद, अब आप सुबह जाके 4-5 घंटे में घर आ जाते हैं। तो डे केयर ट्रीटमेंट में अगर आप सिंपल नटशेल में समझना चाहें तो एडमिशन और डिस्चार्ज इज कंपल्सरी, तभी आपका डे केयर ट्रीटमेंट क्वालिफाई करेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है हॉस्पिटल जाने से पहले के एक्सपेंसेस और बाद के एक्सपेंसेस। कुछ आप टेस्ट कराते हैं, फिर आप एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और डॉक्टर कंसल्टेशन भी लगती है, तो वो भी कवर्ड होता है 30 डेज पहले का और 60 डेज बाद का, मैक्सिमम 10% ऑफ सम इश्योर। आयुष ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। आयुष होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। अगर इसका हॉस्पिटलाइजेशन है विच इज मेडिकली नेसेसरी, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि हर इंश्योरेंस पॉलिसी में ये क्लॉज होता है मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट। अगर वो मेडिकली नेसेसरी नहीं है, मतलब ओपीडी में अगर वो ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाइड नहीं होती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं देती है। और दूसरा क्लॉज होता है रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज, मतलब जो रीजनेबल अमाउंट है एज पर योर ट्रीटमेंट, जो बाकी हॉस्पिटल्स में चार्ज किया जा रहा है उतना ही आपको क्लेम दिया जाएगा। सो आयुष ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड। नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट एक्सपेंसेस। सो अगर ऑर्गन डोनर होता है तो उसके एक्सपेंसेस अप टू हार्वेस्टिंग कवर होते हैं, जब तक वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो हर पॉलिसी में मोस्टली यही है कि हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस कवर होते हैं। इसके लिए भी आगे मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी कि ऑर्गन डोनर का कंपेयर करते हुए कि अलग अलग पॉलिसीज में क्या क्या, कैसे कैसे ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट के एक्सपेंसेस कवर होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। रोड एम्बुलेंस, इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, ये भी कवर्ड है पॉलिसी में। 0.5% ऑफ सम इश्योर्ड, मैक्सिमम 2500 पर इवेंट, मतलब एक बार का सिर्फ 2500 रुपए मिलेगा एक हॉस्पिटलाइजेशन का। दूसरा 1% ऑफ सम इश्योर्ड, मैक्सिमम 5000 रुपीज पर पॉलिसी ईयर, मतलब साल में आप 1% ऑफ सम इश्योर्ड या मैक्सिमम 5000 रुपए ही एक साल में क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप आपको दिया जाता है अगर आपके 3 claim-free years होते हैं, ऑन एवरी ब्लॉक ऑफ 3 claim-free years। तो अगर 3 claim-free years हो गए तो आपको हेल्थ चेकअप दिया जाएगा, विच इज 1% ऑफ सम इश्योर्ड, मैक्सिमम 5000 इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए और 10000 फ्लोटर पॉलिसी के लिए, उससे ऊपर नहीं पे किया जाएगा। बट 3 claim-free years होने जरूरी है, मतलब अगर आप आज क्लेम कर रहे हैं, आपने पॉलिसी रिन्यू कराई, तो पीछे के जो 3 साल आपने पॉलिसी कंटिन्यू करी थी वो क्लेम फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। तो आप 5000 का इंडिविजुअल पॉलिसी पे और 10000 का फ्लोटर पॉलिसी पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड रोबोटिक सर्जरीज। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड रोबोटिक सर्जरीज भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड है, बट कुछ सबलिमिट्स है। तो ये सबलिमिट्स आपकी स्क्रीन पे है, अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग सबलिमिट डिफाइन की गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा ट्रीटमेंट कराने से पहले कि पूरा अमाउंट आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का नहीं मिलेगा। अब बात कर लेंगे, ये तो थे आपके जो इनबिल्ट कवर्स हैं जो हर पॉलिसी में इंक्लूडेड है। इसके ऊपर आप कुछ ऑप्शनल कवर्स भी लेना चाहें, जिसे राइडर्स भी बोलते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। वो ऑप्शनल कवर्स क्या क्या है? पहला तो है रिस्टोरेशन ऑफ सम इश्योर्ड। रिस्टोरेशन ऑफ सम इश्योर्ड होता है कि मतलब आपका अगर बेस सम इश्योर्ड फुली या पार्शियली एग्जॉस्ट हो जाता है, तो रीफिल रीस्टोर ट्रिगर हो जाता है कि जैसे ही आपका वो बेस सम इश्योर्ड खत्म होगा, आप एक और सम इश्योर्ड के एलिजिबल है, विच इज इक्वल टू 100% ऑफ सम इश्योर्ड। तो अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख ही रिस्टोर होगा वंस अ ईयर। इसमें ये कंडीशन होती है कि इस पॉलिसी में स्पेसिफिकली कि आप अनरिलेटेड इलनेस के लिए ही दोबारा जो एडिशनल 10 लाख रीफिल हुआ है वो अनरिलेटेड इलनेस या एनी अदर पर्सन, तो सेम पर्सन सेम इलनेस पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो क्लेम आपका एक बार में होगा दैट विल बी इक्वल टू बेस सम इश्योर्ड। तो 10 लाख से ऊपर सिंगल क्लेम कभी भी नहीं किया जाएगा इस पॉलिसी में। आप लोगों को पता ही है कि जो रीफिल बेनिफिट अगर बच गया है, आपने यूज नहीं करा एक साल में, तो वो कैरीड फॉरवर्ड नहीं होता है, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अगला जो ऑप्शनल बेनिफिट है जो राइडर है, वो है मटर्निटी एंड न्यूबॉर्न एक्सपेंसेस। अगर आप एड ऑन कराना चाह रहे हैं मटर्निटी एक्सपेंसेस एंड न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस, तो आप एड ऑन करा सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। इसमें 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है। और एक और कंडीशन होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप लोग पूछते हैं कि सिर्फ मैं अपने लिए एज अ फीमेल ये पॉलिसी ले सकती हूँ या एज अ सिंगल पर्सन ये पॉलिसी ले सकते हैं। नहीं, इस पॉलिसी में सेल्फ और स्पाउस दोनों का होना जरूरी है। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का होना जरूरी है अगर मटर्निटी बेनिफिट वाला आपको राइडर लेना है। तो इसमें 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होगा फ्रॉम द डेट जब दोनों पॉलिसी में एडेड होंगे, वहां से 24 महीने काउंट किए जाएंगे। तो 24 महीने काउंट किए जाएंगे और इसमें कवर्ड होता है अप टू 2 deliveries या लॉफुल मेडिकल टर्मिनेशन होता है किसी सर्कमस्टांस में, तो वो भी कवर्ड है। एक और कंडीशन है, 2 से ज्यादा ऑलरेडी अगर किसी के लिविंग चिल्ड्रन हैं, अगर ऑलरेडी 2 से ज्यादा बच्चे हैं जो लिविंग हैं, तो इसमें आप मटर्निटी राइडर नहीं ले सकते। हमेशा मटर्निटी बेनिफिट में ना लिमिट होता है, अप टू सम इश्योर्ड कवर नहीं होता है। तो लिमिट क्या है? 10% ऑफ सम इश्योर्ड,
मैक्सिमम 40,000 फॉर नॉर्मल डिलीवरी, 60,000 फॉर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी। अब बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी भी कवर्ड है पॉलिसी में अप टू 90 डेज, तो 90 डेज तक बेबी कवर्ड रहेगा पॉलिसी में। 91 डेज के बाद आपको एडिशनल प्रीमियम देके ऐड करना होगा। सो मैक्सिमम जो न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस हम 90 डेज में क्लेम कर सकते हैं, दैट इज 10% ऑफ सम इश्योर्ड पूंजी। सो कुछ स्पेशल कंडीशंस है मेटर्निटी और न्यूबॉर्न एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये बेनिफिट्स एडमिसिबल है अगर ये ट्रीटमेंट इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, अगर ये आउट पेशेंट कुछ भी ट्रीटमेंट हो रहा है तो कवर्ड नहीं है। दूसरा, सरोगेट प्रेगनेंसी भी कवर नहीं होती है इसमें। कोई भी एक्सपेंस होता है जहां पे आप वॉलेंट्री अपनी मेडिकल टर्मिनेशन करा रहे हैं प्रेगनेंसी का विद इन 12 वीक्स ऑफ कंसीविंग, तो भी वो कवर्ड नहीं है इस पॉलिसी में। प्रीनेटल पोस्टनेटल एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है अगर इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, तो फर्स्ट के साथ लिंक हो गया। अगर इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है तभी प्रीनेटल पोस्टनेटल, मतलब पहले के जो एक्सपेंसेस है बेबी डिलीवरी से पहले के और बाद की जो कंसल्टेशन और एक्सपेंसेस हैं केयर के, वो भी कवर्ड नहीं होंगे अगर इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तो। एंड एक और चीज, जो हम 30 डेज और 60 डेज का हमने प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लॉज देखा था, वो भी इसमें नहीं मिलता है क्योंकि फिक्स्ड लिमिट है 10% ऑफ सम इश्योर्ड मैटरनिटी के केस में, मैक्सिमम 40,000 फॉर नॉर्मल डिलीवरी, 60,000 फॉर सिजेरियन डिलीवरी। बेबी के एक्सपेंसेस में मैक्सिमम 10% ऑफ सम इश्योर्ड। तो प्रीनेटल पोस्टनेटल तो इंक्लूडेड है, लेकिन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के फॉर्म में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगला है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट या डेली कैश अलाउंस भी बोलते हैं इसको। इसमें यह है कि आप जितने दिन के लिए हॉस्पिटल रहते हैं उतने दिन के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपको एडिशनल एक कैश बेनिफिट देती है। ये फिक्स्ड है अलग अलग समय शॉर्ट के हिसाब से। तो 5 लाख की पॉलिसी पे इट इज 500 रुपीज पर डे, जितने दिन आप रहेंगे उतने दिन का 500 रुपए दिया जाएगा। मैक्सिमम 5,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं एक साल में। अगर आपकी पॉलिसी है 5 लाख से 15 लाख तक तो 1,000 रुपीज पर डे है, हर दिन का 1,000 रुपए दिया जाएगा, मैक्सिमम 10,000 क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 2,000 रुपीज पर डे के हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 10 दिन का दिया जाएगा, मतलब 20,000 रुपए एक साल में आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पॉलिसी का जो होता है, समझ गए होंगे अब तक तो आप। इंक्लूजन मैंने बता दिए कि क्या क्या इंक्लूडेड है, अब जानना जरूरी है एक्सक्लूडेड क्या क्या है। फोकस उस पे होना चाहिए कि क्या कवर्ड नहीं है। आपको पता होगा क्या कवर्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको छोड़ के बाकी सब कुछ कवर्ड है, तो कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है क्लेम में। सो पहला, इनिशियल वेटिंग पीरियड है जो 30 डेज का होता है, कि फर्स्ट 30 डेज तक आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करवा सकते हैं, ओनली एक्सीडेंटल इमरजेंसी केसेस आर कवर्ड। बात करेंगे प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड्स। तो प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस पे जो वेटिंग पीरियड है, प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस बेसिकली होता है जो पॉलिसी लेने से पहले आपको नोन थे, इस पे भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई, आप रेफर कर सकते हैं, उससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। तो उसका जो वेटिंग पीरियड है दैट इज 48 मंथ्स, मतलब 4 साल तक प्री एग्जिस्टिंग के जो भी इलनेसेस हैं वो 4 साल तक कवर नहीं होंगे पॉलिसी में। अब बात करेंगे स्पेसिफिक डिजीजेस या स्लो ग्रोइंग इलनेसेस भी बोलते हैं। इसमें दो तरह के वेटिंग पीरियड्स हैं, एक है 24 मंथ्स, एक है 48 मंथ्स। यूजुअली सारी पॉलिसीज में ये 24 मंथ्स होता है, यहाँ पे दो अलग अलग डिफाइन करें, कुछ आते हैं 24 मंथ्स में, कुछ आते हैं 48 मंथ्स में। आइए देखें क्या क्या 24 में है, क्या क्या 48 में है। और ये 17 बीमारियां कवर है। सो ये इन बीमारियों के नाम आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। एंड 48 मंथ्स में जो कवर्ड है वो 5 मेन इलनेसेस कवर्ड है, वो भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। सो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो क्लेम के टाइम पे कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि इसका क्लेम नहीं मिला या उसका नहीं मिला। अगर ये कवर्ड ही नहीं है 4 साल का तो इंश्योरेंस कंपनी देगी ही नहीं। तो इन चीजों का खास ध्यान रखिए, इसको प्लीज ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। कुछ भी क्वेश्चंस हैं इनके रिगार्डिंग आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड फिर आ जाते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन्स, जो चीजें परमानेंटली पॉलिसी में नहीं कवर होती हैं। ये जनरली कॉमन होता है बहुत सारी पॉलिसीज का, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई, आप चेक कर सकते हैं। जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये भी मैं आपके साथ एक्सक्लूजन वाला पीडीएफ अटैच कर दूंगी पॉलिसी डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका प्रीमियम कैलकुलेशन। सो ये प्रीमियम भी कैलकुलेट होता है जोन्स के हिसाब से, देयर इज जोन 1 एंड जोन 2। तो जोन 1 में आपके आते हैं दिल्ली, एनसीआर, एनसीआर में आता है फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, रोहतक, झज्जर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ये आता है आपका जोन 1 में दिल्ली एनसीआर में। फिर आ जाता है कि मुंबई सिटी का, मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, थाने एंड पलगढ़। गुजरात के भी कुछ स्टेट्स कवर होते हैं जोन 1 में, जो कि है अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा। तो ये था मेरी तरफ से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का फैमिली मेडिकेयर प्लान। तो इस प्लान के सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश करी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं पॉलिसी लेने से पहले, देख सकते हैं आपके लिए सूटेबल है प्लान के नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन हो इस प्लान के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी मेंशन है। आप हमारे थ्रू पॉलिसी परचेज करना चाहें वो भी पॉसिबिलिटी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। शुरू करने पर
एंड फाइव, तो चलते हैं वीडियो के बारे में. तो दो कंडीशन, दो मेडिकेयर प्लान. कौन है यार? तो इस